सभी भाइयों को नमस्कार सत श्रीकाल सलाम स्वागत है आपके अपने जय सिंह यादव फार्म चैनल पर साथियों आज की वीडियो अपने ही घर पर कवर कर रहे हैं एक दूसरे व्यात की जोटी और जो भी डिटेल होगी आप भाइयों के समक्ष वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं जो जो के बारे में जानकारी देंगे बिल्कुल क्लियर साथियों देख पा रहे हैं पीठ क्वालिटी की बात करें तो देखो चौड़ी पीठ क्वालिटी और आर्डर की बात करें पैरों का बीच का आर्डर ये देख पा रहे हैं और सिंक की बात करें तो ये शरीर पे जस्ता हुआ हल्का सा खुला सींग है और जो चला फिला करके भी दिखाएंगे भाई साहब थोड़ा खोल के दिखाएं एक बार इसको ताकि पूरा वास्तव पता लगे पशुधन के बारे में बहुत अच्छा पशुधन है जो गर्दन की बात करें लंबी गर्दन एक घोड़े की तरह धोटी चल रही है और हाइट बताना चाहूँगा भी मीडियम हाइट है भी छोटी तो कह नहीं सकते और फुल हाइट है नहीं और बाइक की हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बार ये देख पा रहे हैं और जो पुठे की गैप की बात करें तो ये देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया और थनों का स्पेस ये देख पा रहे हैं चार से छः इंच का थनों में स्पेस है और समय लगभग चार शाम को चार बजे के आसपास का है शरीर पे जस्ता वाशिंग और लंबाई बढ़िया है हाइट भी बढ़िया है ज़्यादा वो नहीं कर सकते भी बढ़िया पशुधन है और चुवाई में बिल्कुल खरी बिल्कुल ओके और जो आगे का थोड़ों का गैप करे की बात करें ये देख पा रहे चार से पाँच इंच आगे का थड़ों का गैप और पीछे का बहुत ही बढ़िया और साथ में ये कटड़ी है सुंदर फीमेल काफ है बहुत ही बढ़िया तो दूध की बात करें फिलहाल लगभग 12 लीटर के आसपास में दूध है 12 साढ़े बारह पौने बारह ये दूध लीटर में फ़िलहाल तैयार है किलो करेंगे तो लगभग साढ़े ग्यारह किलो के आसपास या 12 किलो के आसपास ही है मापा नहीं है लेकिन साढ़े ग्यारह ये से बारह किलो काटे का ही मान के चले हैं आप तो बढ़िया पशुधन और ब्याई लगभग सात से आठ दिन की है मैं लेकर के आया था एक दो दिन ऊपर भी हो सकती है कम भी हो सकती है और जो कई भाई बोलते हैं भी सुंडी तांडवा नहीं है गिर चुका है जो कि बच्चे के दांतों से अनुमान लगाया जा सकता है तो थोड़े इसके दांत दिखाना भाई पैसा ये देख पा रहे हैं दो दांदरी और चौथी निकलती हुई हल्की सी तो दस दिन की जो काफ होती है उसके दांत लगभग चौथे दांत आधे से ऊपर निकल आते थे ये चीज़ आप नोट करके चलना कोई कई भाई जो बाहर से ग्राहक हैं वो वीडियो के माध्यम से दे दे बच्चे के सुन की बात करें नाभि की बात करें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो महीने महीने डेढ़ डेढ़ महीने तक तांदवा गिरता नहीं है तो ये और दांतों से अनुमान लगा सकते हैं दस दिन की ब्याई में लगभग लगभग चौथे दांत आधे लगभग हो चुके होते हैं तो जो भी बात कहेंगे बिल्कुल क्लियर कहेंगे क्योंकि गलत हम कह नहीं सकते क्योंकि अपने ही घर पर ये पशुधन है तो गलत ही बताएंगे तो अपने को ही बदनामी का वो होगा तो इसकी कीमत की बात करें तो इसका फिक्स रेट एक लाख पंद्रह हज़ार रुपये हमने रखा है कोई भी भाई लेने का इच्छुक हो तो अपने जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर संपर्क कर सकता है बिल्कुल बढ़िया नीचे की खरी है साथ में फीमेल काफ और शानदार रोटी दूसरे ब्यात में शरीर पे जस्ता हुआ सिंग बहुत ही सुंदर रोटी है और बढ़िया बिक पे बन के आएगा तो कपस्टिक की बात करें तो लगभग 16 से 17 किलो दूध की कपस्टी है इस पशुधन में और बाकी पशुधन निकालना है भी सत्रह निकाले अठारह निकाले ये या फिर यहीं रह जाए इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है भी कितना दूध निकाल दे पशु ने निकालना है भी कितना निकालेगी ये अनुमान लगा सकते हैं सोलह से सत्रह किलो का लगभग बारह किलो के आसपास में दूध है तो कहीं भी कितना भी दूध दे सकती है लेकर के आए हैं ये अपने घर की तो है नहीं तो एक लाख पंद्रह हज़ार रुपये हमने इसकी कॉस्ट रखी है और ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है जो कि हज़ार दो हज़ार का मान सम्मान ही हो सकता है ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है तो स्क्रीन सक, पे अपना नंबर चल रहा है और ये जो पीछे अपने बफोलो की वीडियो लगाई थी अपने वो वफोलो है इस बफोलो का समय लगभग सवा दो महीने के आसपास में अभी शेष है तो बहुत ही बढ़िया पशुधन ये देख पा रहे हैं तो इससे अलावा किसी अन्य जानकारी चाहिए तो अपने कोई भी भाई संपर्क कर सकता है सभी भाइयों को राम राम सताल सलाम जय जवान जय किसान